दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी विचित्र घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, एक ऐसा शिकारी जिसने शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा चढ़ाया। जी दोस्तों, उसे देखकर वहां पर खड़े सारे पुजारी की आंखें फटी की फटी रह गई। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकप्रिय कथा के अनुसार एक शिकारी थिम्मन नामक एक दिन शिकार के लिए जंगल गया। उन्हें वहां पर एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों, थिम्मन के मन में शिव के लिए एक गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने वहां कुछ अर्पण करना चाहा, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आई कि आखिर क्या अर्पण किया जाए और किस विधि से ये काम किया जाता है। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस के टुकड़े को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर वहां से चले गए। दोस्तों, थिम्मन बहुत खुश था क्योंकि उसको लगता था कि शिव जी ने उसके चढ़ावे को स्वीकार कर लिया है। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से काफी दूर रहा करता था। हालांकि वह शिव का भक्त तो था, लेकिन वो रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसीलिए वो सिर्फ 15 दिन में एक बार आता। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पर पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वो भौचक्का रह गया। ये सोचते हुए कि ये किसी जानवर का काम होगा, उसने मंदिर की साफ सफाई शुरू कर दी और बाद में अपनी पूजा की ओर चला गया। दोस्तों, अगले दिन फिर से थिम्मन नाम का वो शिकारी और मांस भगवान को अर्पण करने के लिए चला आया। थिम्मन को पूजा पाठ के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो शिवलिंग के सामने बैठकर अपने मन की सारी बातें कह देता। एक दिन उसने मंदिर की साफ सफाई करनी चाही, पर उसके पास कोई बर्तन नहीं था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो पास के झरने से पानी कैसे लेके आएगा, इसीलिए वो अपने मुंह में पानी भर के ले आया और शिवलिंग पर अपने मुंह से पानी निकाल के उसकी सफाई करने लगा। दोस्तों, जब ब्राह्मण वापस मंदिर आया तो शिवलिंग पे थूक और मांस को चढ़ा देखकर एकदम भौचक्का हो गया, क्रोधित हो उठा। वो समझ गया कि यह किसी जानवर का काम नहीं था, पर एक इंसान का था। उसने मंदिर साफ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े और फिर से पूजा पाठ करके वो घर चला गया। लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसने शिव जी से पूछा, हे देवों के देव, आप इतना अपमान क्यों सह रहे हो? दोस्तों, शिवलिंग में से आवाज आई, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वो जो भी अर्पित करता है मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अगर तुम भी उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास में कहीं जाकर छिप जाओ, वो आने वाला है। दोस्तों, ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छुप गया। थिम्मन मांस और पानी के साथ आया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसने शिवलिंग को करीब से देखा तो पाया कि लिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंख देने का फैसला किया। उसने अपना चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाल दी और उसको शिवलिंग पर लगा दिया। दोस्तों, रक्त टपकना बंद हो गया और थिम्मन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि लिंग की बाई आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल से अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए फिर से चाकू निकाला, लेकिन बाद में उसको लगा कि वो ये देख ही नहीं पाएगा कि उसे आंख कहाँ लगानी है। तो उसने लिंग के दाहिने ओर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिव ने थिम्मन को अपने दर्शन दिए। उसकी आंखों की रोशनी वापिस आ गई और वो शिव के आगे दंडवत हो गई। रिपीट करें। और वो शिव के आगे दंडवत हो गया। उसे कनप्पा नैनार के नाम से जाना जाता है। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला, नैनार यानी शिव का भक्त। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।